हरे कृष्णा। तो भाई आज स्विंग ट्रेडिंग से मैंने ये जो पॉइंट था ये मैंने कैप्चर किया, और किसमें ये आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। आप जाकर के वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, करीब आज से 4 दिन पहले ये चीज़ बताया हुआ है कि देखो मैं कैम्स, रिलायंस और एक और शेयर है, जाकर के वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने बताया था कि जब ये अपने लेवल्स पे आएगा ना, डिमांड जोन पे, तो मैं भर भर के खरीदूंगा। अब इस तरह का वीडियो बनाने का मकसद ये हो रहा है, और मैं एक छोटे से अकाउंट से आपको दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ स्विंग ट्रेडिंग में भी अगर आपके डिमांड के आसपास स्टॉक आता है तो वहाँ से भी आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। क्योंकि देखो अभी झूठ बहुत हावी हो गया है, लोगों को किसी न किसी तरह से बरगलाया जा रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, और उससे लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। ठीक, तो अब झूठ को मतलब पीछे करने के लिए सत्य को भी हाथ फैलाना पड़ेगा, पैर पसारना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी डेली या 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन में जैसा पोजीशन बने जो है रियल दिखाऊंगा। तो कल एक वीडियो डाला था कि कल उसमें कैम्स में मैंने दिखाया था, तो उसमें मैं पोजीशन आपको नहीं दिखाया था। आज मैं इसमें आपको पोजीशन दिखाऊंगा रिलायंस में, कि क्या बाइंग हुआ, कब बाइंग हुआ, कैसे हुआ। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज़रूर जुड़ जाओ। उसमें मैंने पोजीशन सुबह से ही मैं शेयर कर रहा था लोगों के साथ कि देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कि कैसे मतलब डिमांड एंड सप्लाई इसी पे ट्रेड होता है भाई। और मेरा सबसे मतलब अच्छा जो स्ट्रेटजी लगता है बस इसी पे, प्योर प्राइस एक्शन। इसको सीख लोगे, अच्छा पॉइंट बना लोगे, मतलब बैठ करके आपको वेट करते रहना है कि कब इस जगह पे आएगा, और बढ़िया मूव पकड़ा गया। ठीक, अब आज जो है, आज जिस तरह का निफ्टी का मूव हुआ, करीब 1 15 मिनट का कैंडल जो था वो 215 पॉइंट के आसपास कवर किया था, 2 बजे के आसपास। तो उस समय मैं देख रहा था, उससे पहले एकदम निफ्टी साइडवेज, ठीक है, बस प्रीमियम खाया जा रहा था, लोग बोर होकर के स्ट्रैंगल स्ट्रैडल क्या क्या तैयार करके बना के बैठे हुए थे। इतना ऑप्शन सेलर आज बर्बाद हुआ है, बड़ा बड़ा जिनसे मैं थोड़ा बहुत सीखता हूँ, वो भी आज हेवी लॉस में, हेवी लॉस में। उनका तो ये कहना है कि इस लॉस को कवर करने में पूरा अगस्त और सितंबर लगेगा। तो समझ जाइए जो बड़े ट्रेडर हैं वो भी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब में लॉस कर रहे हैं। तो जो इतना स्किल्ड है, उसके पास इतना सारा सुविधा है, वो जब इतना बड़ा लॉस कर दे रहा है तो आपका क्या होगा। तो अच्छा है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप आइए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। अब देखो डिमांड सप्लाई समझ जाओ। अब ये रिलायंस का चार्ट था, ठीक है, वन डे में, आज से करीब 15 20 दिन पहले, तब से जब रिलायंस नीचे गिरा है उस समय से ये चार्ट आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे एक अच्छा खासा इसका डिमांड जोन बन रहा था। देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे यही एक रेंज बन रहा था रिलायंस में, ठीक है। और इसी को लेकर के मैंने शेयर किया था कि भाई ये सब जगह अगर आता है तो फिर से इस रेंज पे जैसे ही आता है आपका 2850 के आसपास, 1900 के आसपास, तो यहाँ पे एक बार वापस से खरीदने का बहुत बढ़िया मौका है। अब रिलायंस में दो चीज़ है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो और बना दूंगा। रिलायंस बोनस अनाउंस किया 1:1, मतलब 1 लाख आपका डबल हो सकता है, क्या इसका सच्चाई है मैं आपको बता दूंगा, और बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसमें मैं पीछे इसका वॉल्यूम को ट्रैक कर रहा था, डिलीवरी मार्जिन को, तो भाई डेली 62% 70% इस तरह का, मतलब लगातार 6 7 दिन से इसका जा रहा था। और मैं गिद्ध नज़र बना करके इस पे बैठा हुआ था कि जैसे ही तुम ये ऑपरेटर नीचे लाया, जैसे ही न्यूज आया कि 1:1 का इसमें बोनस अनाउंस होना है, तो ये नीचे आया, ऑपरेटर इसको नीचे किया, प्राइस को नीचे करवाया भी जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे पोजीशन। अब आज क्यों 2 बजे के बाद इस तरह का मूव हुआ किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है कि निफ्टी क्यों उड़ा, रिलायंस का बाइंग से उड़ा, कहाँ से उड़ा, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं उस तरह का, बस लॉस हुआ सबका और उसी में बैठे हुआ। तो मैं यहीं पे सुबह में ही मैंने 2 2900, मैं अभी आपको पोजीशन दिखाता हूँ, 2903 रुपया के आसपास, मतलब 2904 रुपया के आसपास मैं सोच रहा था कल का जो बाइंग क्लोजिंग लेवल था उसके आसपास में, तो मैं उसमें नज़र बनाए हुए था। और देखिए कैसे क्या पोजीशन बनाया, आप खुद देखिए, ये रहा आपका ऑर्डर, मेरा ही अकाउंट है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, देखो शेखर मेरा ही अकाउंट है, तो एक बार इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, कितना बजे, 9:15 में, मतलब एकदम दिमाग में बना हुआ था कि
भैया इसमें पोजीशन बनाना है, 9:15:49, ठीक, वहां पे बाइंग हुआ 2903 रुपया 30 पैसा। 9:15 शुरुआती सेकंड में आप देखिएगा तो ये 2917 या 2919 तक गया था, ठीक है। तो मेरे को लगा कि चलो आज शायद निकल गया, लेकिन मैंने बाय नहीं किया कि नहीं चलते हुए नहीं जाना है, 100 क्वांटिटी है भाई, मतलब 10 रुपया अगर जाता है तो 1000 रुपया का लॉस है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो मैंने वेट किया कि जरूर नीचे तो कभी ना कभी आएगा। अब जैसे ही आया वो लेवल 4 के आसपास, तो मैंने इसमें बाइंग हिट किया। अब देखिए यहाँ के बाद दिन भर करीब 200 का कभी प्रॉफिट, 400 का कभी प्रॉफिट, वो वाला रील मैं बना करके डाल दूंगा अगर होगा तो। और अचानक से फिर एक बार 1000 का भी प्रॉफिट के आसपास दिखा था, उसके बाद 2 बजे से ऐसा शूट किया कि देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, अभी देखो यहाँ पे देखो, ये प्रॉफिट जो है एक समय में करीब 6400 के आसपास था, देख लीजिए, देख रहे हो 2959 के आसपास अभी चल रहा है, तो 5630 रुपया का यहाँ पे आपको बना, ठीक है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन इसमें क्या है भाई, कि एक तो इस लेवल तक आ जाए, अगर 3-4 दिन में आ गया तो सही है, और वैसे मैं लॉन्ग टर्म में अगर सोच रहा हूँ ना एक स्विंग के जैसा, तो 3200 के आसपास भी आया ना तो थोड़ा सा वेट करने का है। अब उसमें 1-2 सप्ताह या 1-2 महीना भी लग जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन इस दिखाने का मतलब ये नहीं है कि बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन है, बस आप भी कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 लाख का कैपिटल, 1 लाख में भी आपको 72,000 के आसपास लगा है। क्यों? अगर आपको नहीं पता है ये चीज़ तो जा करके डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, जा करके अकाउंट ओपन कीजिए, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे एक फैसिलिटी होता है MTF, एक मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो इसमें क्या है, बहुत सारा स्टॉक को 4x दिया गया है, ठीक, और कुछ स्टॉक को 2x दिया गया है। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि कैम्स में 2x था। अब एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, थोड़ा सा इस पे भी आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब। देखो यूट्यूब जो है कुछ दिन चैनल पे काम नहीं हो पाया था पर्सनल काम के कारण, और मैं इतना देखता भी नहीं था कि चलो चल रहा है चल रहा है। तो यूट्यूब जो है रिकमेंड करने का जो एक फंक्शन है लोगों तक भेजता है, उसको ख़त्म कर दिया इस चैनल पे। तो बेसिकली आपका एक बार इंगेजमेंट चाहिए, लाइक्स वगैरह चाहिए, कमेंट्स वगैरह चाहिए, सब्सक्राइब कर लो। 92 या 93% लोग शायद दिखा रहा था कि सब्सक्राइब नहीं किया, मैं एक्टिव नहीं था, लेकिन अब जो है वो स्विंग ट्रेडिंग को दिखाना है कि इससे बनता है प्रॉफिट, और लोगों तक पहुंचाना है इस मैसेज को कि बर्बाद मत करो अपना पैसा, कि फंसे हुए तुम चक्कर में। देखो सिंपल छोटा चीज़, 1 लाख रुपया से भी बना ना जी, अगर तुम्हारा इच्छा था तो 6000 रुपया ही बुक कर लेता, 1 दिन का इंटरेस्ट नहीं लगता। आप कहोगे मूव, तो हाँ वो तो प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा। कल भी आपने देखा कैम्प्स में क्या हुआ, यहाँ भी वही चीज़, तो प्रॉफिट तो बन ही जा रहा है ना भाई, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा कैपिटल जुगाड़ कीजिए और फिर यहाँ पे काम कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आए। प्लस एक डेडिकेटेड वीडियो मैं धन से रिलेटेड बना दूंगा, जिसमें आपको प्योर बता दिया जाएगा कि कितना चार्ज लगता है, 1 लाख का इंटरेस्ट क्या लगता है, 10 दिन के लिए रखोगे तो कितना लगेगा, 1 महीना के लिए रखे वो रखोगे तो कितना। और हाँ, इसका यूज उनको करना है जो थोड़ा सा समझदार हैं, जिनका टेक्निकल सही है उनको, ना कि कोई भी ऐरा गैरा आकर के यहाँ पे ट्रेड करेगा तो लॉस हो जाएगा भाई, और घर से भरना पड़ेगा पैसा। तो MTF अच्छा भी है खराब भी है। एक जो मार्जिन का बात करते हो, अब आपको इसमें भी मिल गया मार्जिन, तो आइए आराम से गेम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिस्क रिवार्ड अपना समझ लेना और अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, क्योंकि लॉस होगा आपका होगा, मेरा काम है बस कहना समझाना। अब आपको देखना है कि किस तरह से आप यहाँ पे काम करते हो, सेंसिबल हो करके या फिर फालतू का 5%, 10% और 20% ना सोच करके, एक एक दिन में 30, 40, 50 डबल करने का। जैसे आज ही हुआ ना, 5 रुपया का जो ऑप्शन था आज सीधा चला गया 235, मैं भी ट्रैक कर रहा था 235 के आसपास चला गया। तो इस पे नहीं जाना, आज बहुत लोग का घर बर्बाद हुआ होगा, आज का जो मूव था निफ्टी का बहुत लोगों का घर बर्बाद हो, तो बचिए उससे, सेफ के लिए अपना महीना का 2-3-5% बन जाए, और अच्छे से कर लोगे ना भाई तो 5% 3% बन जाएगा मंथली, और बहुत होता है,
MTF में करोगे तो यही अगर 3% जो है 3 × 4 मतलब 12% हो जाएगा, 1 लाख से 12 हज़ार तक भी इंसान कमा सकता है। ठीक है, तो समझिए 2 लाख है तो 24 हज़ार, 3 लाख है तो 36 हज़ार, समझ लो तो हो जाता है। अब धीरे धीरे आओ, मैं समझाऊंगा, सपोर्ट चाहिए आपका। हरे कृष्णा।